49 डिजिटल ने 25 अगस्त को 4 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में अफगानिस्तान की हालिया स्थिति के कई अलग अलग दृश्य थे। वीडियो की शुरुआत में कुछ सेकंड के लिए एक क्लिप दिखाई गई और कहा गया कि यह दृश्य काबुल एयरपोर्ट का है, जहां निकासी के दौरान अफरा तफरी मच गई थी। एक ट्विटर यूजर ने यह वीडियो 16 अगस्त को पोस्ट किया था। इसे पोस्ट करते हुए अफगानिस्तान, तालिबान और काबुल एयरपोर्ट जैसे हैशटैग लगाए गए। फेसबुक और ट्विटर पर 16 अगस्त से यह वीडियो काबुल एयरपोर्ट का ही बताकर शेयर किया जा रहा है। यूट्यूब पर भी इस वीडियो को इन्हीं दावों के साथ शेयर किया गया। ऑल्ट न्यूज ने देखा कि एक ट्विटर यूजर ने काबुल एयरपोर्ट का बताकर शेयर किए गए ट्वीट के जवाब में ये बताया था कि ये वहां का वीडियो नहीं है और 2019 से इंटरनेट पर मौजूद है। साथ ही उसने 6 जनवरी 2019 को ट्वीट किया गया एक वीडियो भी दिखाया, जो स्पोर्ट्स वेबसाइट द एथलेटिक के पत्रकार जॉन मैकोटा ने किया था। अपने ट्वीट में मैकोटा ने बताया था कि काउबॉय वर्सेस सी हॉकर्स के बीच होने वाले मैच के लिए स्टेडियम के दरवाजे खुलने के बाद ये दृश्य देखा गया था। जॉन मैकोटा ने रॉयटर्स को ईमेल के जरिए बताया था कि उन्होंने ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। द स्पन नाम की वेबसाइट ने भी 6 जनवरी 2019 को एक खबर में बताया था कि काउबॉय प्लेऑफ गेम से पहले AT&T स्टेडियम में प्रशंसकों की भीड़ वाला यह वीडियो हिला देने वाला है। यानी एक अमेरिकन फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में घुस रही जनता का वीडियो यह कहकर शेयर किया जा रहा है कि यह काबुल एयरपोर्ट का है।